डियर फ्रेंड्स, मैं बोधि संजीवन आए हैं शुभ्रदा का रूफटॉप गार्डन में। पहले देखिए ये टावर एडेनियम, अरेबिका एडेनियम का जो वैरायटी है उसको 7-8 बरस कम से कम ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा टावर तैयार होता है। सारा बंगाल या इंडिया में जितने आदमी बहुत प्यार से एडेनियम करते हैं उसमें शुभ्रदा भी पढ़ते हैं, और हर दिन ये एडेनियम को लेकर नया नया जो फॉर्मेशन देना, यही इनका पैशन है। ये आप देख रहे हैं KHZ अरेबिका एडेनियम वैरायटी। यहाँ पर जो टावर आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ दो वैरायटी है, एक है KHZ और एक है KHZN। ये दो वैरायटी में थोड़ा अंतर है, आपको ये अंतर हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये है KHZN वैरायटी, इसमें N जो लिखा था वो अभी उड़ गया। KHZN का ये लीफ स्ट्रक्चर देखिए और KHZ का लीफ स्ट्रक्चर देखिए, दोनों लीफ स्ट्रक्चर में इसका अलग सा लीफ स्ट्रक्चर है। अभी N फिर लिख दिया जा रहा है, देखिए यही है शुभ्रदा। और यहाँ पर कम से कम 50 एडेनियम टावर तैयारी का प्रोसेस चल रहा है, 50 पीस एडेनियम होगा। और यहाँ पर जो अभी नया नया वैरायटी के ऊपर में इसका ट्रेनिंग चल रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं देखा कि डॉर्सेट हॉर्न एडेनियम का टावर, ये दो देखिए डॉर्सेट हॉर्न एडेनियम टावर तैयारी का प्रोसेस में है। एक छोटा एडेनियम को ऐसा पॉट के ऊपर में पाइप के ऊपर ऐसा करके उसको स्टैंड करके रखा जाता है, और उसका जो रूट सिस्टम, वो रूट सिस्टम बाद में जब ये पाइप से निकाल जाते हैं तब रूट को आहिस्ता आहिस्ता कॉर्डेक्स में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वही हम देखते हैं टावर के रूप में। जैसा ये देखिए, ये सब रूट अभी बाहर में आ गया। यहाँ पर देखिए इसका पाइप हटाया गया और अभी ये रूट खड़ा है। यही रूट अभी उसका स्टेम के हिसाब से आप देख रहे हैं, कम से कम 8-10 बरस बाद यही एडेनियम वैसा टावर के रूप में आप देख पाएंगे। बहुत अलग एडेनियम वैरायटी यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये देखिए बाहर से जो नया नया वैरायटी आते हैं उसमें अभी बहुत शानदार सिंगल पेटल एडेनियम आ रहे हैं, उसमें एक है स्टार रंग व स्टार रूंग। देखिए ये स्टार रूंग का फ्लावर देखिए कितना शानदार, और स्टार रूंग 2 ये देखिए, और ये है प्रिंसेस
ये भी सिंगल पेटल वैरायटी। सिंगल पेटल एडेनियम अभी बहुत फेमस हो रहा है और नया नया वैरायटी आ रहा है, और एडेनियम का जो पुराना वैरायटी था, ये देखिए पहले इंडिया में ये एडेनियम ओबेसम सब गार्डनर करते थे, यही है सही एडेनियम ओबेसम वैरायटी। बाद में अरेबिका माए, DAHA, PPL और ब्लैक वैरायटी सब आए हैं। ये देखिए DAHA वैरायटी, डॉर्सेट हॉर्न एडेनियम, इसका लीफ कार्ली होता है, लेकिन अभी फिर ये एडेनियम ओबेसम का नया नया इतना शानदार फ्लावरिंग वैरायटी आ रहा है, फिर ये एडेनियम ओबेसम वैसा ही फेमस हो रहा है जैसा पहले था। और ये है रोजी एडेनियम, मल्टीपेटल एडेनियम, ये भी अभी तक तो जैसा फेमस था वैसा ही फेमस है। ये देखिए सब सिंगल पेटल, यहाँ पर अलग अलग वैरायटी है और नया नया बहुत वैरायटी कलेक्ट भी हो रहा है। ये देखिए और एक अरेबिका एडेनियम, अरेबिका एडेनियम का फ्लावरिंग देखिए, फ्लावर के लिए इसको नहीं करते हैं, ये कॉर्डेक्स इतना ज़्यादा बढ़ते हैं, इसीलिए कॉर्डेक्स के लिए ये आदमी करते हैं, लेकिन फ्लावर भी थोड़ा छोटा छोटा। देखिए अरेबिका का फ्लावर, पैचीपोडियम, टेक्सास सेज, और ये है लैंटना कैमरा, बहुत शानदार ये रूफटॉप गार्डन। यहाँ पर है ऑर्किड हाउस, हम दिखाएंगे आपको अभी। चलिए ये शानदार रूफटॉप गार्डन में थोड़ा दो चार ऑर्किड का फ्लावर खिला है, देख लेते हैं। सुब्रोदा का नया ऑर्किड हाउस में ऑर्किड अभी नया नया खिल रहे हैं, पिछले बरस से आ रहा हूँ, अभी इस बरस ऑर्किड थोड़ा ज़्यादा फ्लावरिंग आए हैं और आते रहेंगे। जितना विंटर सर्दी ज़्यादा पड़ेंगे तो हम लोग ऐसा ऑर्किड फ्लावर देख पाएंगे। देखिए यहाँ ये ऑर्किड को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डेंड्रोबियम ऑर्किड देख रहे हैं। ये डेंड्रोबियम वैरायटी बहुत शानदार फ्लावर देते हैं। इसको देखिए, यहाँ देखिए हॉर प्लांट में बाढ़ आ रहा है, इसको देखिए, ये देखिए, नया नया जो एडेनियम का वैरायटी आ रहा है वही सब कलेक्ट हो रहे हैं।
बाद में ये सब वैरायटी का फ्लावर आप लोग देख पाएंगे। कम से कम कितना वैरायटी कलेक्ट हुआ है अभी? 35 नया वैरायटी इंट्रोड्यूस हुआ है इस बरस। देखिए आप पूरा एडिनियम वर्ल्ड में कहाँ क्या चल रहा है सभी के ऊपर ध्यान दे के सुब्रदा ने ऑलवेज इसका हाल हदीस को जानते रहते हैं। एक ट्रू एडिनियम लवर और एडिनियम को लेके पूरा दिन में समय देना, हर दिन समय देना। पहले थोड़ा दो चार बॉन्साई भी किए हैं। ये देखिए एक शानदार उसका एग्जाम्पल, यही है फाइकस लॉन्ग आइलैंड। देखिए कितना शानदार इसका स्ट्रक्चर हुआ। और एक एक एडिनियम और उसमें नया नया ग्राफ्टिंग करना, खुद अकेला अपने आप ग्राफ्टिंग करते हैं। ये गार्डन में कोई माली नहीं है, जो भी काम सब खुद करते हैं। ये देखिए हर एक एडिनियम का जैसा नेचुरल स्कल्प्टर, नया नया फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक एडिनियम का एक एक टाइप का फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए ये दो वैरायटी कितना शानदार लग रहा है। इसको देखिए लीफ कितना शानदार। इसको देखिए थोड़ा कुछ फ्रूट प्लांट और पुराना जो बॉन्साई वो देखिए, बुगनविलिया बॉन्साई फ्लावर ख़त्म हो गया, फिर भी स्ट्रक्चर देखिए। बहुत शानदार स्ट्रक्चर। और यहाँ से नीच का हिस्सा देखिए, कितना शानदार लगते हैं। रूट को ऐसा जैसे स्ट्रिंग जैसा बनाया गया, नया नया फॉर्मेशन तैयार हो रहा है। कितना शानदार लग रहा है देखिए, दो रूट को ऐसा तैयार किया गया। कम से कम 50 अच्छा क्वालिटी वाला टावर हम लोग देख पाएंगे फ्यूचर में। जनरल आदमी ये एडिनियम अरेबिकम वैरायटी को ऐसा ही तैयार करते हैं। जनरली हम लोग
यही वैरायटी देखते हैं, लेकिन ये टावर करना एक अलग बात है। इसमें एक लगाव होना चाहिए और कम से कम 7-8 बरस इसमें लगने के बाद ऐसा फॉर्मेशन तैयार होता है। हर बरस ऐसा रूट को ट्रेंड करना। देखिए ये जो रूट है ये पॉट के ऊपर में ऐसा बाहर से आए हैं, और इसका जो मीडिया है ये मीडिया है कोको चिप्स, सैंड, और अभी इसमें मिलाया जा रहा है वर्मी कंपोस्ट। पहले ये सब प्लांट सिंडर में था, अभी सिंडर को इससे निकाल दिया गया। ये देखिए गूगल प्लांट, ये ब्लैक वैरायटी को देखिए, इसका स्टेम एकदम ब्लैक। यहाँ पर कलामी, कापी, ऐसा सब वैरायटी है। चुरुदा मेरा प्यारा सब्सक्राइबर फ्रेंड्स, आपके साथ संपर्क करना चाहेंगे तो आपका मोबाइल नंबर दीजिए 9051-041-656। ये व्हाट्सएप नंबर है? व्हाट्सएप नंबर। फिर एक बार बोलिए 9051-041-656। थैंक यू। आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आपका सदा मंगल करे। प्रणाम।